तो हेलो गाइस वेलकम। अगर तुम लोग मोबाइल में गेम प्ले करते हो तुम लोगों को एक प्रॉब्लम तो हमेशा फेस करना पड़ता है, वो है अपने फिंगर्स का पसीना या फिर थंब का पसीना। इस वजह से हमारा फिंगर का जो मूवमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा अटकता है और इस वजह से हम लोग ना हेडशॉट मार पाते हैं सही से और ना ही हमारा गेम प्ले में मूवमेंट आता है। और लिटरली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हर एक प्लेयर को फेस करना पड़ता है। सो देखो, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दो सबसे कॉमन से सॉल्यूशंस है, या तो तुम लोग पाउडर यूज़ करो या फिर फिंगर स्लिप पहनो। सो देखो, अगर हम लोग पाउडर यूज़ करते हैं तो हमारा स्क्रीन बहुत ज़्यादा डैमेजेड होता है और लिटरली बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आते हैं मोबाइल में। सो गाइस, अब हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है फिंगर स्लिप। तो देखो, फिंगर स्लिप तो हम लोग इजीली ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं जो कि अराउंड 500 से 800 रुपए के बीच में आ ही जाता है, बट काफी बंदों के पेरेंट्स से ऐसे अलाउड नहीं रहता ये सब, सो हम लोग ऑर्डर भी नहीं कर पाते हैं। बट गाइस डोंट वरी, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने का कोई जरूरत नहीं। इस वीडियो में मैंने कवर किया है कि आप लोग अपने घर के जो बेसिक सामान होते हैं उनके यूज से कैसे एकदम जीरो कॉस्ट में फिंगर स्लिप बना सकते हैं, मतलब कोई खर्चा भी नहीं होगा और एकदम बहुत अच्छा फिंगर स्लिप बना सकते हैं। लाइक देखने में भी रियल लगेगा और परफॉर्मेंस तो रियल मिलने वाला है ही। अगर आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना इस चीज को, देन ये कुछ ही दिनों में खराब हो जाता है। मैंने खुद यूज करके देखा है, लिटरली बहुत जल्दी खराब हो जाता है और वो जो फिंगर स्लिप का ऊपर वाला लेयर होता है वो हट जाता है, एकदम बेकार हो जाता है। बट मैं जो बनाने सिखाने वाला हूँ ये बहुत ओपी होगा और बहुत अच्छा चलेगा भी, और अगर कोई ये खराब भी हो जाता है देन इंस्टेंटली आप दूसरा भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, इस बात पर वीडियो को लाइक कर दो। यस, चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो बंदे हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ओपी ओपी वीडियोस आते रहते हैं। सो गाइस, फिंगर स्लिप्स बनाने के लिए जो सबसे पहला चीज आपको चाहिए वो है एक स्ट्रेच बेस्ड कपड़ा, ठीक है, मतलब एक ऐसा कपड़ा जिसको तुम लोग थोड़ा खींचोगे तो वो थोड़ा ऐसे खिंचाएगा, ठीक है। तो ये कपड़ा सभी के घर पे होता है, ऐसे मिल ही जाएगा आराम से। और दूसरी बात, कपड़ा थोड़ा मुलायम होना चाहिए, किसी भी ऐसे फालतू कपड़े को उठा मत लेना, उससे काम नहीं चलने वाला और अच्छा नहीं लगेगा। कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा मुलायम हो, जितना मुलायम होगा उतना गेम प्ले भी आपका स्मूथ होगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इधर कपड़े को कट कर लेते हैं क्योंकि उतना बड़ा कपड़ा हमें नहीं चाहिए। तो फटाफट से मैं इसको कट कर लेता हूँ। अभी देखो, अब क्या करना है, इसको फोल्ड करना है, मतलब इसको टू पार्ट में डिवाइड करना है ऐसे। तो सिंपल सा आपको ऐसे फोल्ड कर देना है इसको। अब क्या करना है, आपको अपने थंब का जो साइज है उसको यहाँ पर इधर मार्क कर लेना है। तो सिंपल सा मैं इधर अपने भाई का कर रहा हूँ, देखो इधर सिंपल सा ऐसे मार्क कर लेना है। अब क्या करना है, अब इसको सिलाई करना है। अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं नहीं पता, बट हाँ वही करना है जो मैं कर रहा हूँ अभी, देख लो। सो देखो, ऐसे ऐसे आपने इसको पूरा सिल देना है। और एक चीज़ ध्यान देना है, जितना आप लोग बारीकी से सिलेंगे मतलब जितना क्लोज हो सकता है उतना अच्छा, अगर हो सके तो आप मशीन से ही कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। अब देखो, सिलने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट बचता है, ठीक है, उसको ऐसे साइड में कट कर लेना है। तो सिंपल सा मैं इधर ऐसे इसको कट कर लेता हूँ इजीली। अब इसी चीज़ को सेम टू सेम दूसरा करना है, मतलब आपके दूसरे फिंगर्स के लिए। तो ये चीज़ आपको दो बना लेना है, मैंने इसको दो दो बना लिया है। अपना इसको फोल्ड कर देना है, मतलब उल्टा कर देना है, मतलब ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको अंदर डाल देना है। ऐसे करना है, इधर देखो मैं कर रहा हूँ, सिंपल से इसको उल्टा कर देना है, बहुत इजी है। अब देखो, हमारा फिंगर स्लिप जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। बस कुछ नहीं करना, इसको पहनो और गेम प्ले करो। लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत ओपी गेम प्ले। जो थंब है बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा स्क्रीन पर। मैं पहले भी ऑनलाइन से मंगाकर फिंगर स्लिप ट्राई कर चुका हूँ और लिटरली बता रहा हूँ, इसमें और उसमें ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं है। और गाइस, अगर आपका कपड़ा थोड़ा स्ट्रेचेबल होगा ना, मतलब जो थोड़ा खिंचाव वाला कपड़ा होगा, तो इतना अच्छा बनेगा लिटरली, बहुत ओपी, एकदम रियल जैसा। सो यस, बनाओ, बहुत ओपी है। और इधर देखो, मैं गेम प्ले भी कर रहा हूँ इस चीज से, तो देखो काफी स्मूथली गेम प्ले भी हो रहा है और मुझे कोई पाउडर भी यूज नहीं करना पड़ रहा है। सो गाइस, आई होप तुम लोग समझ गए होगे इसको कैसे बनाना है और इसको कैसे यूज करना है। सो अगर अभी भी कोई डाउट है मतलब इस रिलेटेड, तो तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन पे है इंस्टाग्राम आईडी का मेरा, उधर जाके मुझे पूछ सकते हो, या फिर इधर भी कमेंट बॉक्स में तुम लोग पूछ सकते हो। मैं बहुत ज्यादा ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का, ठीक है। और गाइस, हमारे चैनल पे ये दो वीडियोस जरूर जाके देख लेना, सिर्फ फिंगर स्लिप बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम लोगों को वन शॉट या फिर गेम प्ले का सही ट्रिक ही नहीं पता होगा देन कभी भी हेडशॉट नहीं मार पाओगे। तो ये दो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारे चैनल का, तो जरूर जाकर देख लेना, बहुत ओपी वीडियो, लिटरली बहुत ओपी वीडियो है। सो यस, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, उस चीज़ का भी जरूर जाकर देख लेना। सो या गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। और गाइस सही बताऊं तो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, बहुत ज़्यादा, वीडियो छोटा है लेकिन बहुत मेहनत लगा बनाने में। लिटरली यार, मुझे सिलाई भी नहीं करना आता था, वो भी मैंने अपने मम्मी को बोल कर करवाया भाई साहब। सो यस, थोड़ा लाइक कर देना वीडियो को और हाँ, शेयर कर देना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का भी टॉपिक बता देना। सो या गाइस, राधे राधे।